बड़े विलक्षण अर्थ निकालते थे शब्दों के, विनोदी स्वभाव के संत थे। मुझसे एक बार कहा कि तुम खल शब्द का अर्थ जानते हो? उनका महाराज आप बताओ। तो बोले खल शब्द में दो अक्षर हैं, खा और ला। हमने कहा इसका अर्थ? बोले जिसके दो ही काम हो, खाए और लड़े, खाए और लड़े। हमको बड़ा अच्छा अर्थ लगा। हमने कहा महाराज जी इसमें एक बात और जोड़ दीजिए। बोले क्या? हमने कहा जिसका खाए उसी से लड़े। जिसका खाए उसी से लड़े, कारण कुछ भी नहीं। जे बिनु काज दाहिने बाएं, बिना कारण बैर अकारण सब काहू सो। लड़ जाए, झगड़ जाए, अरे कोई कारण हो, कारण से क्या मतलब, उन्हें तो लड़ना है। एक बार एक रेल यात्रा में मुझे एक दंपत्ति मिले, सत्संगी थे, प्रणाम किया, बैठ गए। और पति ने थोड़ी देर में कहा, पत्नी की ओर संकेत करके, महाराज इन्हें समझाइए, ये बहुत क्रोध करती है। तो पत्नी बोली, महाराज इनसे पूछिए कि मैं क्रोध क्यों करती हूं, कुछ कारण तो होगा, बिना कारण तो क्रोध कर नहीं सकती। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि यह बात तो सही है कि बिना कारण के क्रोध नहीं आता। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, पहले किसी न किसी कारण से क्रोध आता है, और जब क्रोध व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है तो वह कारण खोज लेता है। कोई कारण न हो पर वो स्वभाव है। एक आदमी का एक रसोईया भोजन बनाता था, और मान लो किसी दिन भोजन सुस्वादु न बने तो दिन भर उसे डांटते थे। मूर्ख, ऐसा भोजन बनाया, कोई स्वाद ही नहीं है। वो बेचारा माफी मांगता, लेकिन विडंबना यह थी कि दूसरे दिन रसोईया अगर सुस्वाद भोजन बना दे तो भी प्रसन्न नहीं होते थे, और दुगना क्रोध करते, उसे डांटते। तो वो कहता कि आज क्या बात, आज क्या सुस्वाद भोजन नहीं बना? बोले बना है। बोले फिर काय को नाराज हो रहे हो? बोले इसलिए नाराज हो रहे हैं कि जब इतना सुस्वाद भोजन बना लेते थे तो कल क्यों नहीं बनाया था। अब बोलो, तो कभी कभी क्रोध जब स्वभाव में आ जाता है तो वह कारण ढूंढ लेता है। जैसे कृपा करना संत के स्वभाव में आता है, भगवान के स्वभाव में आया। मरते समय अजामिल ने अपने बेटे को बुलाया, नारायण नारायण। भगवान नारायण अपने पार्षदों से बोले, जाओ ले आओ उसे। भगवान नारायण के पार्षद बोले, प्रभु आपको नहीं बुला रहा है वो, आप नहीं समझे, वो अपने बेटे को बुला रहा है। भगवान को मन ही मन हंसी आई कि हमसे ज्यादा समझते हैं ये हमारे सेवक। क्या भगवान को पता नहीं कि वो अपने बेटे को बुला रहा है? पता है, लेकिन कृपा करना उनका स्वभाव है, इसलिए बोले तुम जाओ, हमको ही बुला रहा है। अरे नहीं महाराज, आपको नहीं, वो अपने बेटे को बुला रहा है। भगवान बोले अच्छा यह बताओ, उसका बेटा नारायण है या मैं नारायण हूं? बोले प्रभु नारायण तो आप ही हैं, वो तो जीव है। भगवान बोले तो हमको ही बुला रहा है, जाओ ले आओ। कहा कि प्रभु उसके बेटे का भी नाम नारायण है। भगवान बोले अच्छा ये बताओ, उसका बेटा नारायण कब तक रहेगा, कब से हुआ? बोले अभी कुछ वर्षों से। फिर बोले कुछ वर्ष तक रहेगा? बोले फिर? बोले फिर नहीं रहेगा। भगवान बोले तो हम? बोले आप अनादिकाल से हो, अनंत काल तक हो। तो बोले असली नारायण कौन हुआ? बोले आप ही हुए। तो बोले फिर हमको ही बुला रहा, काहे को बहस करते, तुम तो ले आओ। अब कोई कारण नहीं था, लेकिन चूंकि कृपा करना भगवान का स्वभाव है, संत का स्वभाव है, इसलिए बिना कारण भी कृपा करते हैं। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला,
और जिसका क्रोध करना कारण हो, कलह करना कारण हो, झगड़ा करना कारण हो, वो न हो तो ढूंढ लेता। एक गांव में एक मैया थी, वो भोजन बनाना होता तो आग लेने जाने की परंपरा थी उस गांव में। तो आग लेने के लिए गोबर की बनी हुई ओपला कन्नी लेकर जाती, उस पर आग रख, वो कुछ ले ही नहीं गई और बोली बहन आग दे दो। तो उसने कहा कि आग तो दे दे पर काहे में दे, तो अपनी धोती फैला दी, बोले इसमें डाल दो। बोली अरे इसमें डाल दे जल नहीं जाएगी, तो उसे तो लड़ना था, बोले जल जाएगी, बोले खूब जल जाने तो इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ेगा। और जो झगड़ा शुरू किया, अब बोलो झगड़े का कोई कारण नहीं था। तो कुछ लोगों के स्वभाव में होता कलह करना, बैर अकारण सबका हो सब। और तुलसीदास जी कहते वही खल ये बिनु काज बिना कारण दाहिने से बाएं हो गए। समझदार आदमी कारण ही खोजता रह जाता कि आकर हुआ क्या है। ये बिनु काज दाहिने उपाय, पर तुलसीदास जी उन पर भी व्यंग नहीं करते, सच्चे मन से वंदना करते हैं। बहुरी बंद बंद फिर से दोबारा। अच्छा दोबारा क्यों कर रहे हो? तुलसीदास जी बोले इसलिए कि सज्जन एक बार में ही मान जाते हैं और ये खल दो बार में भी मान जाए तो भगवान की बड़ी कृपा समझनी चाहिए। खलों की भी वंदना श्री रामचरितमानस में। अच्छा फिर भगवान के गुण गाने वालों की वंदना, जो हो चुके हैं वो, तुलसीदास जी कहते हैं जो हैं उनकी और जो आगे होंगे। अब तक के ही नहीं आगे होने वाले श्री राम गुण गाने वालों की वंदना तुलसीदास जी कर चुके हैं। भय जे अहई हो ही है आगे, प्रणव सब ही कपट सब त्यागे। अच्छा तो आप कवि हैं ना? नहीं कवि हों न चतुर कहावों, मति अनुरूप राम गुण गावों। अच्छा तो मति तो मिली, हाँ तो वो भी प्रसाद है किसी का, किसका? सम्भ प्रसाद सुमति ही ओलसी। ये रचना तो भगवान शंकर की है, श्री रामचरितमानस भगवान शंकर की रचना है। रचि महेश निज मानस राखा। अच्छा तो आप कौन है? तुलसीदास जी बोले हम तो प्रकाशक हैं। शंकर जी ने जिसे रचकर छिपा लिया था, तुलसीदास जी बोले हमने उसे कहकर छपा दिया है। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, सभी की वंदना करते हैं।